video is for the explanation of page number 11 and a part of 12 of the chapter The Fish Tale. First of all, we will see the book page, that is page number 11. Now this is, the topic is the fish market. क्या आप कभी फ़िश मार्केट में गए हैं? किसी भी मार्केट में हम जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हल्ला होता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा शोर होती है कि नहीं? तो ये एक फ़िश मार्केट है और ये बोल रहे हैं कि दिस इज़ अ बिज़ी डे, आज जो है हमारा बहुत बिज़ी डे है. कैसे? बहुत सारे बोट्स, मेनी बोट्स हैव ब्रॉट अ गुड कैच, द फिशर वुमेन आर शाउटिंग आउट देयर प्राइजेस टू द बायर. बहुत सारे जो नाव हैं, बोट्स हैं, वो बहुत अच्छे, बहुत सारी मछलियाँ लेके आए हैं और जो फिशर वुमेन हैं वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हैं कि अपने अपने ख़रीदार लोगों के लिए कि जो आए, और अपने अपने वो साथ में प्राइसेस भी बता रहे हैं कि कौन से फिश का कितना प्राइस है. तब मिनी है, मिनी भी बेचती है. मिनी ने कहा चलो आओ आओ, और मिनी कौन सा टाइप बेच रही है? सार्डाइंस जो होती हैं वो मछलियाँ बेच रही हैं, एंड एट ₹40 a kg. सो मिनी इज़ सेलिंग सार्डाइंस एट ₹40 a kg. सिमिलरली ग्रेसी इज़ सेलिंग शॉर्ट फिशेस वो सेल कर रही है फॉर ₹60 a kg. 1 kg शॉर्ट फिश का कॉस्ट कितना है? ₹60 में ग्रेसी बेच रही है. फ्लोरम्मा सेल्स प्रॉन्स. फ्लोरम्मा जो है प्रॉन्स बेच रही हैं, एंड वो उसका प्राइस क्या है प्रॉन्स का? ₹150 फॉर 1 kg. 1 kg प्राइस क्या है? ₹150. सिमिलरली करुदम्मा जो है वो स्क्विड मछली बेच रही है, और उसने उसकी प्राइस क्या रखी है? ₹50 a kg. 1 kg स्क्विड फिश का प्राइस है, कॉस्ट है ₹50. अब यहाँ पे देखो पिक्चर में फाजिला, ये है फाजिला, उसने कितनी बड़ी मछली उठा के रखी है जो कि वो उठा भी नहीं पा रही, इतना भारी है. तो फाजिला ने एक 8 kg जिसका वेट है वो एक किंग फिश पकड़ी हुई है कि नहीं, और उसने कहा कि भाई ये फ़िश इतनी बड़ी है कि ये 8 kg वाला जो फ़िश है उसको मैं ₹1200 में बेचूंगी. अब देखो इतने सारे क्वेश्चंस हैं, अब इतने सारे इंफॉर्मेशन भी हमको दे दिए गए हैं और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस हैं. देख, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फाजिला सेल द किंग फिश. किंग फिश को जो वो 8 kg वाला था, वो तो भैया 8 kg का प्राइस है 1200, तो वो 1 kg फिश को कितने प्राइस में बेचेगी, कितने रुपए में बेचेगी? नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्लोरम्मा हैज सोल्ड 10 kg प्रॉन्स. फ्लोरम्मा जो है प्रॉन्स बेच रही थी और उसने 10 kg प्रॉन्स बेचा है आज. हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर दैट? उसके लिए उसको कितने पैसे मिले होंगे? ना से ग्रेसी सोल्ड 6 kg सोल्ड फिश. ग्रेसी ने बेचा 6 kg सोल्ड फिश बेच रही थी वो, तो उसने 6 kg आज बेचा. और मिनी जो है, मिनी हैज़ अर्न एज मच मनी एज ग्रेसी. मिनी भी फिश बेच रही थी और उसकी आज कितनी कमाई हुई? जितनी की ग्रेसी की हुई 6 kg सोल्ड फिश बेच कर. अब क्वेश्चन है हाउ मेनी केजी ऑफ सार्डाइंस डिड मिनी सेल. तो मिनी ने कितने सारे या कितने केजी सार्डाइन फिश बेचा? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, घुमा दिया है हमारे लिए कि भैया उसने कितना ग्रेसी जो है इतने पैसे उसने कमाए आज, और उसी के बराबर जो है मिनी ने भी कमाए, और तो मिनी ने कितने सारे फिश बेचा, वो एक क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बशीर हैज़ ₹100. बशीर एक जो भी है, एक कस्टमर है, एक ख़रीदार है जो मछली खरीदने जा रहा था, वो उसके पास ₹100 थे. नाउ ही स्पेंड्स 1/4 ऑफ द मनी. जो ₹100 था उसका 1/4 उसने खर्च किया किसके लिए? स्क्विड फिश के लिए, स्क्विड फिश खरीदने के लिए, एंड अनदर 3/4 ऑन प्रॉन्स, और बाकी जो है वो प्रॉन्स खरीदने के लिए उसने खर्च किए. नाउ ए है हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्विड डिड ही बाय. उसने कितना केजी स्क्विड फिश का ख़रीदा और कितना केजी उसने
प्रॉन्स का खरीदा। नाउ लेट्स सी द सोल्यूशन, अब देखते हैं सोल्यूशन। मिनी मिनी ने क्या किया, मिनी क्या बेच रही थी, सार्डाइन्स मछलियाँ बेच रही थी एट ₹40 अ के जी। ग्रेसी जो है स्टोर्ड फिश बेच रही थी ₹60 एक के जी के लिए। फ्लोरम्मा प्रॉन्स बेच रही थी ₹150 एक के जी। एंड करुदम्मा जो है वो स्क्विड मछलियाँ बेच रही थी और उसकी प्राइस क्या रखी थी उसने, एक के जी स्क्विड फिश का प्राइस था ₹50। फाजिल्ला जो है, फाजिल्ला एक 8 kg किंग फिश को बेच रही थी और उसने ये 8 kg वाला पूरे के पूरे फिश का प्राइस कितना रखा था, ₹1200। अब क्या है क्वेश्चन वन था हमारा, एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फाजिल्ला सेल द किंग फिश। किंग फिश को उसने, 1 kg किंग फिश को उसने कितने में बेचा। तो देखो फाजिल्ला वॉज सेलिंग 8 kg किंग फिश को वो ₹1200 में बेच रही थी, बेच रही थी कि नहीं, 8 kg फिश। नाउ हमको 1 kg का चाहिए तो उसने मोर देन 1 kg मतलब ज़्यादा का दिया हुआ है, मैनी केजीज का दिया है और हमको 1 kg का निकालना है। जब मैनी दिया रहता है और 1 निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, करते हैं कि नहीं। सो प्राइस फॉर पर केजी या फिर 1 kg किंग फिश का क्या है, ₹1200 डिवाइड बाई 8 दैट इज ₹150। सो फाजिला सोल्ड द किंग फिश एट ₹150 पर केजी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्लोरम्मा हैज सोल्ड 10 kg प्रॉन्स टूडे। 10 kg प्रॉन्स जो है वो फ्लोरम्मा ने आज बेचा, हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर दैट, और उसको उसके लिए कितने पैसे मिले। सोल्यूशन देखते हैं। नाउ कॉस्ट ऑफ 1 kg प्रॉन्स क्या था, ₹150। तो फ्लोरम्मा ने आज कितना सोल्ड किया, फ्लोरम्मा सोल्ड 10 kg ऑफ प्रॉन्स। तो कॉस्ट ऑफ 10 kg प्रॉन्स, जब 1 का दिया रहता है हमको प्राइस किसी भी चीज़ का, 1 के बारे में इंफॉर्मेशन दी रहती है एंड वी हैव टू फाइंड मैनी या मोर का हमको निकालना पड़ता है, तब हम क्या करते हैं, या तो हम उसको बार बार हमको मैनी टाइम्स उसको प्लस करना पड़ता है या फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का दिया है और मैनी का निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। सो ₹150 × 10 दैट इज़ इक्वल टू ₹1500। सो फ्लोरम्मा गॉट ₹1500 फॉर दैट। नाउ ग्रेसी सोल्ड 6 kg सोल्ड फिश। मिनी हैज़ अर्न एज मच मनी एज ग्रेसी। हाउ मैनी के जी ऑफ सार्डाइंस डिड मिनी सेल। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया है हमको, थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले अब बोल रहा है कि हाउ मैनी के जी ऑफ सार्डाइंस मिनी सेल, मिनी ने कितनी के जी सार्डाइंस बेची। अब मिनी ने बेची उसके लिए कितने पैसे मिले उसको चाहिए कि नहीं, तो उसके आगे देखते हैं। मिनी हैज़ अर्न एज मच मनी एज ग्रेसी। मिनी ने कितने पैसे कमाए, जितने ग्रेसी ने कमाए। अब फिर क्वेश्चन आता है कि भाई ग्रेसी ने कितना कमाया, तब उसके आगे दिया हुआ है ग्रेसी सोल्ड 6 kg सोल्ड फिश। ग्रेसी जो है वो 6 kg सोल्ड फिश सेल करके बेच के जितने पैसे कमाए उतने ही मिनी ने भी आज पैसे कमाए हैं। तो फिर ये बताओ कि मिनी ने कितने के जी सार्डाइंस बेचे हैं आज, ये है क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन के अंदर देखिए कितने सारे क्वेश्चंस और कितने सारे सॉल्यूशंस डले हुए हैं। फर्स्ट इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 kg सोल्ड फिश हमको पता है दिया हुआ है दैट इज ₹60। नाउ ग्रेसी सोल्ड 6 kg सोल्ड फिश। ग्रेसी ने 6 kg सोल्ड फिश बेचा तो ग्रेसी ने कितने कमाए, 6 kg। ग्रेसी अर्न मनी इज इक्वल टू ₹60 × 6 दैट इज ₹3600 है कि नहीं। तो ये ग्रेसी ने कमाए। अब क्वेश्चन में क्या था, मिनी हैज अर्न एज मच मनी एज ग्रेसी। मिनी जो है वो ग्रेसी के बराबर ही पैसे अर्न किए कमाए उसने, तो मिनी अर्न मनी इज इक्वल टू ग्रेसी अर्न मनी हो गया। तो मिनी अर्न कितने, मिनी अर्न मनी इज इक्वल टू ₹3600 क्योंकि ग्रेसी ने इतना ही कमाया था। अब हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, यहाँ तक तो हमको मिल गया मिनी को कितने पैसे मिले। नाउ मिनी अर्न्स, मिनी अर्न करती है कितना, ₹60 बाय सेलिंग सार्डाइन फिश इज इक्वल टू 1 kg। 1 kg जब वो सेल करती है
तो मिनी को कितने पैसे मिलते हैं? 60 रुपीज़ मिलते हैं। लेकिन आज मिनी ने कितने कमाए? मिनी ने आज 3600 या 3600 रुपीज़ कमाए। तो मिनी अर्न रुपीज़ 3600 बाय सेलिंग सार्डाइन फिश। तो कितने केजी उसने अर्न किए, बेचे होंगे? तो हम रुपीज़ 3600 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 6। सो मिनी सोल्ड 6 केजी ऑफ सार्डाइंस। ठीक है, नाउ बशीर वाला क्वेश्चन देखते हैं। बशीर हैज़ रुपीज़ 100। बशीर के पास 100 रुपीज़ थे, उसमें से 1/4 मनी का उसने स्क्विड खरीद लिया और 3/4 बाकी जो उसका बच गया वो उसके प्रॉन्स खरीदे। तो क्वेश्चन है, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्विड डिड ही बाय? उसने कितने केजी स्क्विड का खरीदा और कितना केजी उसने प्रॉन्स के खरीदे? तो देखते हैं, लेट्स सी द सॉल्यूशन। नाउ टोटल मनी बशीर हैड इज इक्वल टू रुपीज़ 100। ठीक है, इट्स क्लियर। नाउ 1/4 ऑफ रुपीज़ 100 इज रुपीज़ 25। अब ये रुपी हाफ ऑफ हाफ, 1/4 इज हाफ ऑफ हाफ, तो हाफ ऑफ 100 इज 50 एंड हाफ ऑफ 50 इज 25। तो रुपीज़ 25 का उसने स्क्विड फिश खरीदा, स्पेंड फॉर स्क्विड फिश। नाउ 3/4 ऑफ रुपीज़ 100, बाकी जो 3/4 है, 3/4 क्या होता है? हाफ प्लस 1/4। तो हाफ ऑफ 100 इज 50 एंड 1/4 ऑफ 100 इज 25। तो हाफ 50 प्लस 1/4 दैट इज 25, 50 प्लस 25 इज इक्वल टू रुपीज़ 75 स्पेंड फॉर प्रॉन्स, प्रॉन्स खरीदने के लिए 75 रुपीज़ उसने खर्च किए। नाउ अब इतना तो हमको मिल गया, हमारा इतना इन्फॉर्मेशन। अब हम आगे शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 केजी स्क्विड क्या है? रुपीज़ 50, है कि नहीं? अब स्क्विड खरीदा था उसने कितने? 1/4 पैसे का, 1/4 जितने पैसे थे उसके पास, 1/4 का कितना? रुपीज़ 25 होता है। तो फॉर रुपीज़ 50 ही कैन बाय स्क्विड 1 केजी। 1 केजी 50 रुपीज़ में खरीद सकता था, पर उसने 1 केजी ने 50 रुपीज़ नहीं खर्च किया, उसने 25 किए थे। तो 50 का हाफ होता है 25, दैट इज़ रुपीज़ 25, हाफ ऑफ 50 ही बॉट स्क्विड। तो 1 केजी में अगर 50 रुपीज़ में आता है तो 25 रुपीज़ में कितना आएगा? हाफ केजी। तो हाफ केजी, हाफ ऑफ 1 केजी। सो ही बॉट हाफ केजी ऑफ स्क्विड बाय 1/4 ऑफ हिज मनी। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 केजी प्रॉन्स इज रुपीज़ 150। सो फॉर रुपीज़ 150 ही कैन बाय प्रॉन्स 1 केजी। 150 में वो 1 केजी खरीद सकता है, पर उसने 150 का नहीं खरीदा, उसने कितने का खरीदा था? 3/4। 3/4 मीन्स रुपीज़ 75। अगर हम देखें तो 75 क्या होगा? हाफ ऑफ 150। तो फॉर रुपीज़ 75 ही कैन बाय, अब 150 का हाफ हो गया इधर रुपीज़, तो 1 केजी का भी हाफ केजी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ केजी, हाफ ऑफ 1 केजी। सो ही बॉट हाफ केजी ऑफ प्रॉन्स बाय हिज 3/4 ऑफ हिज मनी। ठीक है, तो हाफ केजी प्रॉन्स खरीदे थे उसने और हाफ केजी स्क्विड खरीदा था बशीर ने।